तो बेटा हमने ये तीन चीजें कैसे फाइंड करी, हमने ये तीन चीजें इस तरीके से फाइंड करी कि जो इक्वेशन के वेरिएबल्स हैं वो हमारा एक्स का मैट्रिक्स बन जाएगा और एक्स का मैट्रिक्स हो गया एक्स और वाई, मतलब दो ही वेरिएबल है। अगर चार वेरिएबल होते तो फिर टू रॉस एंड टू कॉलम बनता, ठीक है। फिर आएगा ए का मैट्रिक्स, ए का मैट्रिक्स क्या होगा, जो एक्स और वाई के कोफिशियंट होंगे 8, 1, -4 और 2। अगर किसी ने पहले स्टेप में ही माइनस की साइन के साथ नहीं लिखा, पूरा सवाल यहीं से गलत हो गया, ठीक है। तो इसलिए इस पर बड़ा ध्यान देना है कि जो मैट्रिक्स आप टैली करते हुए लिख रहे हो वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ फिर बी का मैट्रिक्स आएगा और बी का मैट्रिक्स राइट हैंड साइड के कॉन्स्टेंट नंबर्स को कहलाता है, तो राइट हैंड साइड के कॉन्स्टेंट नंबर जो है वो 2, 2, 4 आ गए, ठीक है। अब मैं ए इनवर्स के पूरे पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं बी से, तो मैं बकायदा तौर पर लिखूंगा पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन वन। मैं ए इनवर्स को इक्वेशन वन में पुट करूंगा, तो बाय वर्डिंग अब मुझे वैसे ही लिखना है, जी बहुत ध्यान से आप देखिए, मैंने लिख दिया पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन वन। तो मेरे पास ए इनवर्स डॉट बी, ये इक्वेशन वन थी, तो एक्स की जगह आ गया एक्स वाई, एक्स की जगह आ गया एक्स वाई, ए इनवर्स की जगह ये पूरा पूरी चीज लिख देंगे 1/20 2, -1, 4 और 8, और इसको बी के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और बी का मैट्रिक्स है 2, 4। अब बच्चों के जहन में एक कंफ्यूजन होती है कि सर मैट्रिक्स तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि मतलब मैट्रिक्स अगर ऑर्डर में सेम नहीं हो तो मल्टीप्लाई कैसे हो सकते हैं। बेटा ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट मैट्रिक्स के, फातिमा फैसल ने बिल्कुल सही कहा, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस अगर बराबर है तो मैट्रिक्स हो सकता है मल्टीप्लाई 2 कॉलम्स एंड 2 रॉस। ये तो हम चेक करने के लिए लिखते हैं कि मैट्रिक्स कहां मल्टीप्लाई होगा और कहां नहीं होगा, लेकिन जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स की रॉस को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो गाना मैंने आपको याद कराया था उसका लेंथ छोटा हो गया, वो सिर्फ अंतरे में जाके ही खत्म हो गया, तो वो क्या है, अब वो बना फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। पहले हम फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से भी करते थे, बट अब सेकंड कॉलम हमारे पास मौजूद नहीं है, तो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, मतलब पहली रॉ पहले पहले कॉलम से होगी, पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से, जितना दूसरी रॉ भी दूसरे नंबर में, पहले नंबर पहले से और दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच में प्लस आ जाएगा। तो यानी हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनके जो रूल है नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा गौर से, आप देखें इनको जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1/20 एंड में जाकर सॉल्व होगा 2 × 2 + 4 × 4, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम हो चुका है। जब मैं सेकेंड रॉ पे आऊंगा तो नीचे आ जाऊंगा −1 × 2 + 8 × 4। तो बेटा हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और देन फिर हम माइनस या प्लस जो भी हो रहा होगा उसको देखते हुए करेंगे। 1/20 मैट्रिक्स में लिखने वाले हैं, जरा और से लिखेगा 2 × 2 = 4 and 4 × 4 = 16। 2 × 2 = 4 + 4 = 16, नीचे आ जाइए 2 × 1 = 2, तो −2 हो जाएगा ये −+−2 + 8 × 4 = 32। अब हम इनको प्लस माइनस करेंगे, यानी ऊपर वाले दोनों प्लस हो गए
ये 20 हो गया, और 32 में से 2 गए 30 हो गया। अब ये 20 सेपरेटली डिवाइड हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 20, 30 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि इस 20 का मतलब ये था कि ये डिवाइड हो जाए, ये पहले भी डिवाइड ही हो रहा था, लेकिन अब जो डिवाइड हो रहा है ये बकायदा तौर पर सिर्फ दो ही नंबरों से हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम कंपैरिजन में एक्स और वाई के वेरिएबल देखें तो पहले से एक्स की वैल्यू निकलती हुई नजर आ रही है और नीचे से वाई की वैल्यू निकलती हुई नजर आ रही है। तो बेटा अब चेक करते हैं, हमारे पास जो आंसर क्रैमर से आ रहा था वही आंसर आना चाहिए, 1 0 से 0 कैंसिल 3/2। याद करें सबसे पहला सवाल जब मैंने आपको कराया था क्रैमर से तो वहां पर भी आपके पास x की वैल्यू बेटा 1 आ रही थी, इसी सवाल की बात कर रहा हूं, ये बुक का सेम क्वेश्चन है, और y की वैल्यू 3/2 आ रही थी। आप पेज टर्न करें और इस क्वेश्चन को क्रैमर से जाकर देखें तो आपके पास यही आंसर आ रहा था क्रैमर रूल से भी, और यही आंसर आपके पास मैट्रिसेस मेथड से भी आ रहा है। थर्टी और थर्टी नहीं है बेटा, ये 30/20 है, ये 30/20 है, मतलब ये जो 20 है ये सबसे डिवाइड हो जाएगा दोनों से, मतलब ये 20 से भी हो जाएगा और 30 से भी हो जाएगा, ठीक है। इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है बिल्कुल, देखिए आप इसमें तो हमने ये देख रहा है कि ये 2 रोज एंड 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स है और ये 2 रोज एंड 1 कॉलम का मैट्रिक्स है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। नहीं देखिए बात क्या होती है समझिएगा, बोर्ड में तो ये चीज मेंशन होगी कि आपने किस मेथड से करना है, यूजिंग क्रैमर्स रूल या यूजिंग मैट्रिसेस मेथड, लेकिन अगर बोर्ड में नहीं लिखा हुआ आता तब आपकी मर्जी है कि आप किसी भी मेथड से कर लो। कॉपी करें इसको, शाबाश, यकीनन आज की क्लास समझ में आई होगी। मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन मुश्किल नहीं कह सकते इसको हम, इजी है। अब आप लोगों का काम यह है कि आप तमाम क्रैमर रूल के क्वेश्चन को मैट्रिसेस से करेंगे और वही आंसर लेकर आएंगे जो क्रैमर से आ रहा है, सिवाय उस क्वेश्चन को जिसमें आंसर डिटरमिनेंट का 0 आ रहा था, ठीक है भाई। आपका होमवर्क ये जितने क्वेश्चन क्रैमर रूल से किए हैं वही क्वेश्चन मैट्रिसेस मेथड से भी करेंगे। वेट करो थोड़ा सा, यहाँ बैठ जाओ, बराबर में जगह नहीं, बल्कि सर सर होंगे सामने, खाली हो तो सामने बैठ जाओ, बुला लो। जी कॉपी कर लें फिर मैं लिंक को एंड कर दूंगा। तकरीबन 1 घंटे की क्लास हुई है अभी और फैक्टराइजेशन में रेडी रहिएगा, ये 1 घंटा सवा तब्दील हो सकता है क्योंकि कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है। सही है भाई, चले स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं ऑफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में कॉपी करते रहे आप। सही है बेटा, चले ओके, अल्लाह हाफिज़।